तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का इस वीडियो में बात करेंगे, जब कोई भी आपका ई फाइलिंग करते होंगे, इनकम टैक्स पर ITR फाइल कर रहे होंगे, आपका कभी भी पासवर्ड गुम हो गया, पासवर्ड याद नहीं है, तो उसको कैसे रीसेट करें, या कोई भी दिक्कत है तो उसमें पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, आज का इस वीडियो पर ए टू ज़ेड पूरी प्रोसेसिंग में आपको बताऊँगी। इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के बाद, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसको आप जरूर देखना, तो आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन में आपको बताऊंगी। ये थोड़ा लोडिंग होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इनकम टैक्स फाइल पर एंट्री हो रहा है। यहाँ पर आपको पहले यूज़र आईडी देना पड़ेगा। यूज़र आईडी देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो पैन कार्ड का नंबर होता है वही होता है आपका यूज़र आईडी। यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड है तो यहाँ पर पासवर्ड डाल कर लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से आपका यूज़र आईडी डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़र आईडी डाल देता हूँ, मेरा यूज़र आईडी मेरा जो जैसे कि पैन कार्ड का नंबर है, मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इसको एंट्री होने पर लिखा हुआ सिलेक्ट ऑन ऑप्शन हुआ रिसेट योर पासवर्ड। यहाँ पर आपको OTP के द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार लिंक होता है, OTP के द्वारा आपका रिसेट कर सकते हैं, नहीं तो अपलोड रजिस्टर सिग्नेचर के कर सकते हैं, नहीं तो ई फाइलिंग OTP कर सकते हैं। हम पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड योर पासवर्ड OTP एंड मोबाइल रजिस्टर नंबर। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आई ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर तो क्लिक करेंगे तो OTP डालना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जनरेट OTP, जनरेट OTP पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद कंटिन्यू क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आई एग्री जनरेट माई आधार पर क्लिक करना पड़ेगा। ये करने से आपको क्या होगा कि आपका मोबाइल पर OTP चला जाएगा। OTP चला जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे OTP मेरा मोबाइल पर आने के बाद OTP पर यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर मेरा OTP आ चुका है, यहाँ पर हम डाल देते हैं 270324। OTP डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई पर क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेट ए न्यू पासवर्ड, यहाँ पर मेरा पासवर्ड जो भी है यहाँ पर मैं डाल दूँगा। जैसे कि मेरा पासवर्ड यहाँ पर मैं डाल दूँगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली अपडेट योर, यहाँ पर देखिए पासवर्ड आपको प्रोसीड हो चुका है। ये पासवर्ड को आपको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते, नहीं तो आपका याद रखना चाहते तो ये पासवर्ड आपको याद कर सकते। इसी तरह आपको पासवर्ड हो जाता है, पासवर्ड हो जाने पर आपका ये लॉगिन कर सकते। लॉगिन करने के लिए अभी देखिए ये हो चुका है, फिर से मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। लॉगिन पर क्लिक करने पर यह कंफर्म करूँगा, यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा, ये मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिक रीसेट हो चुका है। अभी देखिए मेरा ये जो इनकम स्टाइल इनकम जो यह कर रहा था वहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करूँगा। अभी देखिए मेरा हो चुका है ऑलरेडी, मैं बिहू पर ITM क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा का पूरा हो चुका है। कुछ दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा मेरा जो, यहाँ पर अपडेट भी कर सकता हूँ। मैं दूसरी वीडियो पर आपको बताऊँगा कैसे अपडेट करना है, क्या करना है, A to Z पूरी जानकारी दूँगा। बिला मिला दे, तबीयत थोड़ा बिगड़ गया है तो इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो पर मैं आपको A to Z पूरी जानकारी ऑल टाइप का वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को पसंद है तो इस वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।